तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं Redmi Note 10 Pro के बारे में। और ये जो वीडियो एज अ कॉन्सेप्ट वीडियो है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप Redmi Note 10 Pro से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या कुछ मिल सकता है इस फ़ोन में, कितने प्राइस में और कब तक ये फ़ोन इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकता है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेंगे लुक एंड डिज़ाइन के बारे में। तो डिज़ाइन के मामले में आप लोगों को कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, वही ग्लास बैक एंड ग्लॉसी ग्रेडिएंट बैक पैनल देखने को मिलने वाला है। लेकिन इस बार आप लोगों को बैक साइड में पेंटा कैमरास का सेटअप देखने को मिल सकता है। साथ ही आप लोगों को बैक साइड में कोई भी फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को नहीं मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं इस फोन के फ्रंट पैनल के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को 6.39 इंच की एक फुल एचडी प्लस एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों एक फुल व्यू डिस्प्ले होने वाला है। साथ ही आप लोगों को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और सेल्फी के लिए पॉपअप सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं इस फोन के चिपसेट के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को स्नैपड्रैगन 865 या फिर मीडियाटेक डायमेंसिटी 1000 का चिपसेट देखने को मिल सकता है। दोनों में से कोई भी प्रोसेसर आप लोगों को देखने को इस फोन में मिल जाएगा। और साथ ही आप लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 11 भी देखने को मिलेगा और MIUI 11 भी आप लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलने वाला है। और अब बात कर लेते हैं इस फोन के रैम वेरिएंट के बारे में। तो यहां पर मिलने वाले हैं तीन रैम वेरिएंट, 664GB, 6128GB, 8128GB। तो अब बात कर लेते हैं इस फोन के रियर कैमरास के बारे में। तो इस फोन में आप लोगों को मिलने वाले हैं पेंटा रियर कैमरास, जिसमें मेन सेंसर 108 मेगापिक्सल का होने वाला, जिसमें आप लोगों को सैमसंग का सेंसर देखने को मिलेगा। साथ ही 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसिंग सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल माइक्रो सेंसर भी मिलने वाला है। और अब बात कर लेते हैं इस फोन के सेल्फी कैमरे के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को 32 मेगापिक्सल का एक पॉपअप सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलेगा। और अब बात कर लीजिए इस फोन के बैटरी के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों को 4500mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि दोस्तों 33W की फास्ट चार्जिंग होने वाली है। साथ ही आप लोगों को टाइप सी पोर्ट और 3.5mm ऑडियो हेडफोन जैक भी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों ऐसे में नीचे कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आप लोगों के हिसाब से इसमें आप लोगों को कितने मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगा, कितने एमएच की बैटरी देखने को मिलेगी, कितने प्राइस में ये फ़ोन इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकता है और कब तक लॉन्च हो सकता है, नीचे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अब बात कर लेते हैं इस फ़ोन की प्राइसिंग और लॉन्च डेट के बारे में। तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस आप लोगों को 14 से 15 हज़ार के बीच में देखने को मिलने वाली है। और अभी बात कर लीजिए इस फ़ोन के लॉन्च डेट के बारे में, तो ये आप लोगों को 2021 के स्टार्टिंग में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर जो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।